नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जो लिस्ट ऑनलाइन है वो लिस्ट हम कैसे घर बैठे देखेंगे और उस लिस्ट को देखने के लिए हमें किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। यदि आपका नाम लिस्ट में है तो आपको कितनी राशि प्राप्त होगी और कौन से अकाउंट में आपको राशि प्राप्त होगी, संपूर्ण जानकारी हम आपको आगे वीडियो में विस्तारपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के यदि आपने आवास प्लस में आपका आवेदन हुआ है और आपका आवास अलाट हुआ है, आपको राशि जारी हुई है, तो आप अपना आवास सूची में नाम कैसे देखोगे और यदि आपको राशि जारी हुई है, आपका आवास बन रहा है, तो उस स्थिति में आपके कौन से अकाउंट में पेमेंट आएगा, आपका अकाउंट नंबर क्या रहेगा, उस स्थिति को देखने के लिए, उस लिस्ट को देखने के लिए हमें ये वाले पोर्टल पर आना है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये वाले पोर्टल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वाले पोर्टल पर आकर अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। ये वाले पोर्टल पर आने के बाद में दोस्तों हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें दोस्तों जो अबाउट के बाद में दिख रहा है आवास सॉफ्ट, इसमें हमें डाटा एंट्री और डाटा एंट्री के बाद में हमें ई रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे हम रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक नई टैब खुलकर सामने आएगी। इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है और दोस्तों यहाँ पर हमें ई वाले ऑप्शन पर SECC रिपोर्ट जो दिख रहा है उसके नीचे चौथे नंबर पर दोस्तों कैटेगरी वाइज ACC डाटा वेरिफिकेशन समरी, ये वाली जो लिस्ट दिख रही है ये वाली लिंक पर हमें सिंपल से क्लिक करना है। जैसे ये वाली लिंक पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें सबसे पहले हमें सभी स्टेट के अलग अलग जानकारी दिखेगी, बेनिफिशरी लिस्ट और रिजेक्ट बेनिफिशरी सारी जानकारी यहाँ पर हमें शो होगी। अब हमें हमारी स्टेट की जानकारी देखनी है तो ये जो सिलेक्ट फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है इसके नीचे दोस्तों स्टेट ऑल स्टेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है और सबसे पहले आप जिस भी स्टेट का देखना चाहते हैं उस स्टेट का चयन कर ले। जैसे आप स्टेट का चयन करोगे तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें ज़िले का चयन करना है, जो भी आपका ज़िला है उस ज़िले का चयन कर ले। तो दोस्तों ये पूरे भारत में आप जिस भी स्टेट और जिस ज़िले का देखना चाहते हैं आप आसानी से देख पाओगे। ज़िले का चयन करने के बाद में आपकी जो भी तहसील है वो तहसील का चयन कर लेना है। तहसील का चयन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके गांव की सूची शो होगी, तो आपको जिस भी गांव की सूची देखना है उस गांव को सिलेक्ट करना है। उसके बाद में दोस्तों ये जो कैप्चा कोड है ये यहाँ पर देना है और सिंपल से हमें सबमिट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे हम कैप्चा कोड स्टेट जिला तहसील गाँव का नाम और कैप्चा कोड डालकर जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक PDF फाइल खुलकर सामने आएगी, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत का नाम, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर, बेनिफिशरी नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी सारी जानकारी यहां पर आपको शो होगी। सुरक्षा के लिए हमने सारी जानकारी हाइड कर रखी है, इसलिए आपको जो भी आप जिस भी गांव, जिस भी ज़िले का, जिस भी ब्लॉक का देखोगे उसकी जानकारी यहाँ पर शो होगी। तो दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड PDF पर क्लिक कर ये लिस्ट आप PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसको Ctrl+F पर क्लिक करना है और जो भी आपका नाम है, जो भी नाम से आपको सर्च करना है, जिस नाम से आपने आवास प्लस में आवेदन करवाया था पंचायत सचिव के द्वारा, वो नाम यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप नाम टाइप करोगे तो दोस्तों उनकी जानकारी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो होगी। उसके बाद में दोस्तों जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ दिख रहा है, जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जिस भी नाम से आप देखोगे उसके सामने जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें बेनिफिशरी की डिटेल रहेगी, जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और गांव का नाम, यहां पर बेनिफिशरी का नाम। दोस्तों हमने सारी जानकारी सुरक्षा के लिए हाइड कर रखी, इसलिए आप जिसका भी देखोगे उसकी जानकारी यहाँ पर दिखेगी। उसके बाद में दोस्तों हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है तो कुछ इस तरीके से पर्सनल डिटेल दिखेगी, जिसमें फादर्स, हस्बैंड नेम, जेंडर, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, एज, उसके बाद में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, मेंबर आईडी नंबर यहाँ पर दिखेगा, रजिस्ट्रेशन फाइनेंशियल ईयर दिखेगा, कौन से ईयर में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो दिखेगा, उसके बाद में नरेगा जॉब कार्ड नंबर, हाउस होल्ड आईडी नंबर, हाउस अलॉटेड टू,
उसके बाद में हाउस स्टेट सारी जानकारी दिखेगी, उसके बाद में बैंक डिटेल यहाँ पर आपको दिखेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बैंक का डिटेल में कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि आपका अकाउंट नंबर यहाँ पर हाइड रहेगा और बैंक का नाम यहाँ पर आपको शो होगा। सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड ब्रांच कोड वगैरह हाइड कर रखा है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर वेरीफाइड का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि आपका जो हाउस है प्रधानमंत्री आवास योजना का जो राशि है वो सेंशन हो चुकी है और आपकी जो बैंक आपने दी थी उस बैंक में इसकी राशि आपको प्राप्त होगी। उसके बाद में दोस्तों सेंशन कंप्लीट डिटेल यहाँ पर दिखेगी तो आपको जो राशि मिलनी है वो राशि भी यहाँ पर आपको शो होगी। इस तरीके से दोस्तों आपको ये पूरी जानकारी आपकी शो होगी। तो दोस्तों इसको कंट्रोल पी पर क्लिक करें और ये आप प्रिंट निकाल कर अपने पास रख ले। यदि आपकी राशि आपके पास नहीं आती है और किसी अन्य खाते में जाती है तो उस स्थिति में आपको अपने नज़दीकी पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत में संपर्क करना रहेगा। और लिस्ट में नाम आने के बाद में भी आपको राशि प्राप्त नहीं होती है तो वहाँ से आप इसका निराकरण करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की जो लिस्ट है वो लिस्ट आप घर बैठे इस तरीके से फ्री में देख सकते हैं। और लिस्ट देखने के बाद में आप अपनी डैशबोर्ड भी चेक कर सकते हैं, डैशबोर्ड की प्रिंट भी निकाल सकते हैं और कितनी राशि आपके पास प्राप्त होगी उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, हम किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो हमें कमेंट्स करना, हम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और हमें सपोर्ट करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।